ये देखिए पैकिंग कितना अच्छा है। इसको खाएगा तुम्हें सर? नहीं। खाना? नहीं। अनन्या कल सुबह से वही फ्रॉक में और अभी भी उसे नहाना नहीं है। हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग एंड वेलकम टू अवर चैनल। आज एकदम मेरा उठना सब बहुत लेट हुआ है बिकॉज कल रात को सोते होते डेढ़ दो बज गए थे। तो ब्रेकफास्ट मैं और अनन्या नीचे से जाके लेके आए। यहाँ पे जो लोकल मिसर और वो सब मिलता है वो ऑनलाइन नहीं आता तो जाके लाना पड़ता है। जैसे यहाँ का फेमस प्रभा एक रेस्टोरेंट है, उसमें बटाटा वड़ा और विराज का फेवरेट है मिसर और आई को वहाँ का बटाटा वड़ा बहुत पसंद है। तो ये है वहाँ का बटाटा वड़ा एंड ये उसके साथ आता है करी, जिसके लिए मैं डब्बा लेके गई थी। ओह बहुत गर्म है। और मेरे लिए और अनन्या के लिए कुछ शीरा, पोहा और उपमा। तो अब सब ब्रेकफास्ट करते हैं, चाय रख दिया है मैंने तो चिकन भी लेके गई आई हूँ। पहले जल्दी से ब्रेकफास्ट करते हैं, नहा धो के चिकन बनाने के लिए रख देते हैं और उसके बाद देखते हैं आगे क्या क्या होता है। तो अब विराज के लिए जो मिसल लाया था, ये देखिए पैकिंग कितना अच्छा है। एक में थोड़ा पोहा, एक में बटाटे की सब्जी और इसमें ये फरसान है ये लास्ट वाले में। तो ऐसे बहुत अच्छा पैकिंग किया है, अननेसेसरी ज़्यादा वेस्टेज भी नहीं, वेरी नाइस पैकिंग। और अंदर और क्या है, देखिए एक बार ब्रेड। यहाँ पे जो मिसल मिलता है उसमें इसे स्लाइस ब्रेड दिए जाते हैं। अलग टाइप है ये मिसल का, जो अंदर वो जो रसा होता है मिसल में डालने के लिए ये वो है। ये देखिए ऐसे सब्जी टाइप बटाटा उसी में डाला जाता है तो अलग सा आई थिंक करने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी ये थोड़ा कट करके देखते हैं इसमें क्या क्या है। यहाँ पे पोहा दिख रहा है, ओके, क्योंकि मिसल में पोहा डलता है। ये विराज के लिए डालते हैं सर। नेक्स्ट यहाँ पे है कुछ, ओके ये है अनियन एंड नींबू। तो इसे इसमें थोड़ा गोल में निकालते हैं, कितना सारा लगेगा नहीं लगेगा नॉट श्योर। इसको खाएगा तुम्हें सर? नहीं। खाना? तुम्हारा ये बाबा के लिए हो गया, मैं पोहा खाया। और अब लास्ट में है शेव, ये पसंद है और उसी में थोड़ा सा कुछ पोहा होता है, पोहा का चिवड़ा भी होता है वो भी है। इधर विराज को पूछ लेते हैं उनको क्या क्या कितना कितना चाहिए। मैंने बहुत ही ऑड पोजीशन में मेरे हाथ में गया गोप्रो को पकड़ा था इन हाथों के साथ, पूरा रेड हो गया यहाँ पे। तो ये ऐसा होता है एंड इसमें अब डलेगा ये रसा और विराज को पूछते हैं उनको कितना सारा डालना है इसमें एंड उस हिसाब से डालते हैं। अनन्या कल सुबह से वही फ्रॉक में और अभी भी उसे नहाना नहीं है। नहीं नहाने का आज है हमारे नाश्ते में ये स्पेशल
मिसल पाव. तो ऐसे दुखी होके क्यों बोल रहे हो? तुम्हारा फेवरेट तो है यहाँ का, प्रभा का है ये, मेरी मम्मी का नाम का. नहीं नहीं, मेरा फेवरेट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है. ये ऐसा दिखेगा और मेरा जो अब जस्ट थोड़ी देर पहले एक कुरियर आया तो विराज नहीं उठाया था क्योंकि मैं गई थी नहाने के लिए. तो पता नहीं था क्या है इतना, किसने क्या भेजा. विराज को लगा एज यूजुअल मैंने कुछ अमेजोन से खरीदा होगा, वो ही होगा. तो देखा तो बहुत ही एक स्वीट जेस्चर, वन बुके ऑफ फ्लावर एंड केक. वो कार्ड अभी तक आया नहीं इट सीम्स. तो ये भेजा है संध्या. संध्या ने इसे कल रात को ही मेरे लिए ऑर्डर प्लेस किया था. तो संध्या बेसिकली मेरी एक्स मैनेजर है. मैं और संध्या बहुत अभी भी, मतलब संध्या और मैं अभी अलग 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 रूट्स में जाके हमें हो गए 8-10 महीने, पर स्टिल हम लोग बहुत टच में हैं. वो मेरी मेंटर भी है एंड बहुत अच्छी दोस्त है. तो वो मुझे हमेशा बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन करती थी कि करो, आई एम सो प्राउड ऑफ यू दैट यू आर एबल टू डू सो मेनी थिंग्स एक्सेट्रा. तो कल रात को मैं फ्लाइट लैंड होने के बाद संध्या को मैसेज करना भूल गई थी एक्चुअली. फिर संध्या को रात को मैसेज किया था कि संध्या ऐसे 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 हुआ है. तो वो इतना एक्साइटेड थी, मैं जाने से पहले भी उसका उनका कॉल आया था मुझे वन डे प्रायर कि ऑल द बेस्ट एक्सेट्रा के लिए. तो रात को ही उन्होंने ये बुक किया था. इट इज़ सो स्वीट. आई मीन इतना सोचना, इतना ये सब करना इस मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. कोई भी करे, वो विराज करे, घर में अनन्या आई या कोई भी करे, इट्स अ ह्यूज थिंग फॉर मी. एंड ये संध्या से आया तो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा. तो थैंक्स अ लॉट संध्या फॉर सच अ स्वीट एंड नाइस जेस्चर फॉर वॉट यू हैव डन. तो दिस इज हाउ इट इज. थोड़ी देर में अब जब अनन्या आएगी, अनन्या गई है नीचे आई के साथ कुछ काम से, तो एक बार वो आएगी तो फिर केक कट करते हैं. आई एम श्योर अनन्या संध्या ने ये भी ध्यान रखा है कि मुझे कौन से टाइप का केक अच्छा लगता है. मुझे चॉकलेट केक पसंद नहीं है तो उन्होंने स्पेसिफिकली यहाँ पे पाइन एप्पल केक ऑर्डर किया है. दैट्स रियली स्वीट क्योंकि संध्या नोज आई डू नॉट लाइक चॉकलेट केक एंड शी इज़ वेरी स्पेसिफिकली ऑर्डर फॉर दिस. सो थैंक यू वेरी मच संध्या. कॉन्ग्रेचुलेशंस. थैंक यू. अभी कैसा सॉन्ग बोलेगा? हैप्पी गोल्ड मेडल टू यू, हैप्पी गोल्ड मेडल टू यू, हैप्पी गोल्ड मेडल डियर अक्षरा, हैप्पी गोल्ड मेडल टू यू. सबसे मुझे भी कितना खाया था तू. खालची बाजू दे, खालची सगळं. बड़ा घुस गया पूरा अंदर, बहुत ज्यादा था. नहीं नहीं नहीं, थैंक यू सो मच. एंड संध्या ने एकदम याद रख के ऐसा अब केक भेजा है जो चॉकलेट नहीं है. उनको पता है कि आई डोंट लाइक चॉकलेट केक, इसलिए उन्होंने पाइन एप्पल केक भेजा. रियली नाइस. अभी ये सब चाहिए ही गप गप खाने वाला है. गप गप अक्षदा आ गई है वापस. और दोपहर में थोड़ा सा कांड हो गया था कि हमारा गोप्रो चालू ही नहीं हो रहा था. अरे नल बंद कर. हमारा गोप्रो चालू ही नहीं हो रहा था. कैसे? क्या तो तुमको कदर शूट करने मिला क्या? तो फिर वो ठीक हो कर लिया. उसका बैटरी में कुछ थोड़ा सा ही आ गया था तो हमने बैटरी चेंज कर ली उसकी. तो हम लोग ऐसे ही फिर निकल गए.
और बर्थडे पार्टी में भी ज़्यादा कुछ शूट नहीं हो पाया बिकॉज वो फैमिली बहुत ही ज़्यादा, एक प्राइवेट पार्टी भी रखा था, थोड़ा सा शूट कर लिया, फिर भी हल्का हल्का थोड़ा बहुत किया बर्थडे का, हैप्पी बर्थडे का सॉन्ग तक किया, बाकी ज़्यादा नहीं कर पाए। हाँ। बहुत सारे छोटे बच्चे थे तो वो पेरेंट्स को बुरा लगता है इसलिए। हे पैर भी गिरेगा। तो अभी हम भोजन करते हैं, अब पहले चपाती बना देते हैं। हाँ। और उसके बाद अनन्या और तुम खाना खा लो। हाँ। मैंने तो वहाँ पे खा लिया है। अच्छा, अच्छा खाना था। क्या था? नूडल था, पनीर, कुछ मंचूरियन था। ओके। फिर पाव भाजी और oh, wow, केक। नाइस। अनन्या ने केक खाया। oh, wow, nice। टेडी बेयर का केक था। हाँ। कैसा था टेडी बेयर का केक? यम्मी था। हाँ। तुमको पसंद आया? और अनन्या ने फ्रेंच भी बनाए बहुत सारे। गुड जॉब चिकू, गुड जॉब। ये ले तेरा पिज्जा लंच। बाबा मैं सबसे पहले ना हाँ सबसे पहले नोको बाबा। ओके, तो आनंद ने अपना पिज्जा लंच मुझे दे दिया है। चलो थैंक यू, अभी मैं जाके पार्टी करूँगा। ओके जाओ। ओके बाय। यंचल्लार गाइस, यान वनस कोरी रोटी दादा किधर है? चिकन कोरी रोटी। ओके अच्छा, यहाँ ना होने से कोरी रोटी। ए दादी यार, दादी यार इन चप्पल पे नहीं कैसे बोलते मैं कोरी यान वनस यान इन्हीं कोरी रोटी तीनों मिल रहा यान वनस ग यान वनस ग कोरी रोटी तीने गुल्ले तीनों दो उल्ले यान वनस का यान वनस्ग कोरी रोटी तिन्नों दुल्ले। गुड जॉब। सो इसी के साथ आज का ये व्लॉग होता है समाप्त। आई होप आप सभी को हमारा ये व्लॉग पसंद आया। आई होप पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट। ऑल्सो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू दैट। कल वापस मिलेंगे, टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय।